अभी ले जाऊंगा दोस्तों मैं इस गोबर के कीड़े को। गोबर को तो मैंने खेत तक पहुंचा दिया है और यहाँ देख लीजिए टाइसो को भी, ये भी आया साथ में। अब मैं इसको खाली करता कीड़े को। तो चलो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू। मेरा नाम है ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर दास ब्लॉगर। दोस्तों आपने अभी देख लिया कि मैं खेत तक आया हूँ, मैंने गोबर का कीड़ा लाया। दोस्तों खास बात है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको गोबर के कीड़े ले जाने ही पड़ेंगे खेत तक, गोबर आपको ढोना ही पड़ेगा पीठ में। तो दोस्तों ऐसा है, खाता यहाँ पर मेरे छोटे भाई, मेरी दीदी और मेरे पापा भी है और मेरी आम जी भी आने वाली है, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ और काम कर रहे हैं, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी डो रहे हैं पत्थर मेरे पापा, मेरा छोटा भाई रंजीत और मेरा नाम राशि, मेरा छोटा भाई ठाकुर दास और ये रे परी मेरी दीदी, ये भी आए हमारी हेल्प करने, क्योंकि अभी दोस्तों अगला काम शुरू करेंगे हम घर का, डंगा लगाएंगे, तो इसलिए आए हैं ये काम करने, हेल्प करने। और यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों सारे गोबर डो रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए सुबह का नज़ारा मेरे गांव कुछ इस तरह का है, सभी लोग गोबर ढो रहे हैं। अभी हो गया टाइम 9:40। अगर मैं इससे सुबह आपको दिखाता तो इससे ज़्यादा लोग आपको दिखाई देते यहाँ पर गोबर ढोते हुए, देख लीजिए ऊपर भी। तो दोस्तों अभी मैं खेत तक पहुँच चुका हूँ, बहुत मुश्किल से पहुँचा दोस्तों यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है, कई दिन हो गए मेरे को ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, सांस फूल रही है मेरी, जैसे मैं खुल के काम कर सकता था, जैसे मैं चल सकता था, वैसे हो ही नहीं रहा कुछ भी। आपको दिख रहा होगा शायद मेरी आवाज़ में भी कुछ फर्क है, मेरी छाती तक जाम हो गई है, इतना हो गया है, ऐसी हालत हो गई है मेरी। और यहाँ पीछे देख लीजिए दोस्तों बर्फ़ आपको अभी भी दिख रही होनी, देख लीजिए, हालांकि ज़्यादा तो नहीं है, बस वरे वरे ही है, पर जहाँ पर धूप लगती ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ नहीं दिख रही आपको और है भी नहीं वैसे। अभी मैंने दोस्तों ये पेड़ लाए छोटे छोटे सेब के मदर प्लांट है, अभी मैंने अपना सामान भी निकाल लिया है, कैंची और लुत्तर, हिंदी में इसको कटर या पता नहीं कुछ और बोलते हैं उन्हें। देख लीजिए दोस्तों रैम्बो को, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया बर्फ़ को देख कर, बर्फ को खा रहा है, खेल रहा है। तो पहले दोस्तों अभी मैं कुछ पेड़ को प्रूनिंग कर लेता हूँ, फिर लगाऊंगा बाकी जो मैंने पेड़ लाए हैं, कल भी लाए थे मैंने कुछ पेड़, उनको बाद में देखूंगा मैं। और पीछे का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों किस तरह का है, अभी भी आपको बर्फ दिख रहा है उन चोटियों के ऊपर। अभी 2-3 दिन का फिर से मौसम ख़राब है, शायद तब भी ऐसा ही हाल होगा फिर से, खासकर मेरी हालत वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे मेरी अभी हालत है। तो चलो दोस्तों पहले प्रूनिंग कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं आगे। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रूनिंग कर लिया देख लीजिए, और इस साइड भी कर लिया, वैसे तो ये वाला पेड़ रह गया है और ये वाला भी कर लिया मैंने, और नीचे भी साइड कर लिया मैंने कुछ पेड़। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पेड़ इतने अच्छे होते ही नहीं बीच में, क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइड हो गया था, तो अब कितना टाइम हो गया लेकिन तभी पेड़ अच्छे नहीं होते। हाँ कुछ कुछ पेड़ वैसे फिलहाल हो गए हैं सेब निकालने लायक। और दोस्तों अभी देख लीजिए मेरी हालत कैसी हो गई है, बाल भी सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। दोस्तों अभी चलता मैं घर की तरफ, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और शेयर कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।